फोन? हमने तो सिर्फ इन्हें रोड क्रॉस करते हुए ही देखा था, भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब कैसे पता चलेगा ये कौन है? अस्सलामुअलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। कल यहाँ पे एक्सीडेंट के केस में कोई खातून आई थी? जी जी बिल्कुल, क्या जानते हैं आप उनको? नहीं, लेकिन उनका कुछ मोबाइल और पर्स मेरे पास रह गया था। मैं तो कल हॉस्पिटल आ रहा था, लेकिन मेरे घर में इमरजेंसी होने की वजह से मैं कल हॉस्पिटल ना आ सका। मैंने सोचा ये मोबाइल और पर्स आपको आज पहुँचा दूँ। अल्लाह का शुक्र है, कम अज कम ये तो पता चला खातून कौन थी। ये मोबाइल मुझे दे दो बेटा। ये मुझे दीजिए। और इस पे जो नंबर सेफ है ना, उस पे कॉल करो। जी जी मैं करता हूँ। कॉल लिस्ट में चेक करें, जिनसे उनकी आखिरी बार बात हुई है ना, उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जी मैं करता हूँ। हेलो जी, क्या अब कैसी हैं वो? कहाँ? आप फिक्र मत करें, हम निकल रहे हैं बस। उनका ख्याल रखिएगा प्लीज। नाबिया बीबी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा सा तो नाश्ता कर लें। मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने इस घर में जितना बर्दाश्त करना था कर लिया है, और हिम्मत नहीं है मुझ में। नाबिया बीबी, मैं जानती हूँ इस घर में आपके साथ किसी ने भी अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन वली साहब उनके बहुत से एहसानात हैं मेरी जात पर, और वो एहसानात मैं सिर्फ आपका ख्याल रखकर ही उतार सकती हूँ। तुमने तो हमेशा मेरी मदद ही की है नसरी, तुमसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, शिकायत है तो सिर्फ अपने नसीब से। ये आप कहाँ जा रही हैं? मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। और अगर बड़े साहब को पता चला तो? मेरे साथ इस घर में जितना बुरा होना था हो चुका, मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रही हूं। बेगम डॉक्टर के पास गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, मैंने उन्हें अपने तरीके से समझा दिया है कि वली को यहाँ लाने की कोशिश भी ना करें, अब इस घर में उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं। बिया, बिया, वली,
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बगैर इजाजत के इस घर में कदम नहीं रख सकते? चाची भैया कहाँ है? क्या लेना देना तुम्हारा भैया से? तो जलील होने के बाद भी तुम यहाँ तक पहुँच गए? चाची मेरा और भैया का मिलना बहुत जरूरी है, बताइए मुझे कहाँ है वो? भैया क्यों मिलना जरूरी है? क्या लगती है वो तुम्हारी? तुम्हें पता है दानियाल और अकबर हुसैन इतने गुस्से में है कि तुम्हारा खून पी जाएंगे। चले जाओ यहाँ से वरना। वरना क्या? वरना लफ्ज को नहीं जानता बली। भैया बली, बली। अनाबिया बीबी, आप बेगम साहिबा के होते हुए ऐसे कैसे जा सकती हैं? आप बस थोड़ा इंतजार कर लें, मैं आपको रात होते ही यहाँ से। मैं रात को यहाँ से क्यों जाऊँ? रात के अंधेरे में छुपकर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कोई चोरी की हो। ना मैंने कोई चोरी की है, ना ही मेरे दिल में कोई चोर है। मैं दिन दहाड़े यहाँ से सबके सामने जाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। भैया भैया जल्दी करो, मेरे साथ चलो, हमारे पास वक्त कम है। वली क्या हुआ है? तुम्हारी माँ की कंडीशन ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। क्या क्या हुआ अम्मी को? एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। वली दानियाल की परमिशन के बगैर भैया नहीं जा सकती, और तुम्हारे साथ तो हर किसने। चची वक्त बहुत कम है, दानियाल को कहेगा कि वहीं पहुंच जाए, इसकी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना वली, मुझे तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, और तुम्हारे साथ तो ये हर किस नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। भैया यहाँ से जाएगी चची, बिया का हक है कि वो अपनी माँ से मिले, और मैंने उसकी माँ से वादा किया है कि एक बेटी को उसकी माँ से मिलवाऊंगा, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। अगर बिया इस घर से जाएगी तो इस घर में दोबारा इसका आना नामुमकिन है। लड़की अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो ये सोच लेना हर बार की तरह तुम्हें रियायत नहीं मिलेगी। उसकी फिक्र आप मत करें, मेरा ये सूटकेस इस बात की गवाही है कि मैं यहाँ से वापस आने के लिए नहीं जा रही। दरवाजा खोलो। वली रुक जाओ, भैया तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? वली वली तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। वली तुम भैया को मत लेके जाओ। भैया भैया मैं कह रही हूँ रुक जाओ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, पता है अब वो तड़पेगा, इतना तड़पेगा कि मर जाएगा, लेकिन सुकून नहीं आएगा बेचारे को। गिनेनी जो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, दोबारा वो तुम्हारे पास भी आया ना तो पुलिस को बुला लेना प्लीज। एंड यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो दैट राइट? थैंक्स बट मुझे नहीं लगता क्या वो वहां आएगा, क्योंकि जितनी मैं उससे बातें सुना चुकी हूं ना, अगर सरा सी भी गैरत हुई ना तो उसी में डूब के मर जाएगा। हाँ लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, कम से कम मैं तो तुम पर रिस्क नहीं लूं। सो व्हाट आई विल डू इज मैं कुछ गार्ड्स तुम्हारे साथ असाइन कर दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम। जी मामा, मैं ऑफिस में हूँ। क्या ये कब हुआ? आपने बाबा को बताया? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ?
ओलिविया को अपने साथ कहीं ले गए। What? कहाँ? I don't know. मुझे घर जाना होगा, प्लीज मैं। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब क्या क्या मतलब? नहीं बेबी, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ अभी? This is not the right time. बहुत स्ट्रेस होगा वहाँ पर। लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। Oh baby, thank you so much. That's so sweet of you. लेकिन अभी नहीं, मुझ पर एतबार करो, अभी जाना ठीक नहीं होगा। ओके okay? मैं सब कुछ हल करके शाम में आता हूँ। ओके, I'll wait. Take care. Bye. Bye. ठीक हो भैया? मैं ठीक तो हो जाएगी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो इंशाल्लाह, और दुआ करो उनके लिए। आखिर ये लड़का चाहता क्या है हमसे? मैं जितना उसे ढील देता जा रहा हूं, वो मेरे सर पे चढ़ता जा रहा है। मुझे वली से ऐसी गुंडागर्दी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाभी बेगम, अब जो मैं वली के साथ करूंगा, आप कभी गिला नहीं करेंगे मुझसे? मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेशरम लड़का नहीं देखा अकबर। उसे तो जरा सा भी लिहाज नहीं है, कैसे धमकियां देकर गया। और वो लड़की, उसने तो जैसे पहले से ही दोनों ने तय किया हुआ था। बिया को तो भाभी बेगम को पहले से ही बहू बना लेना चाहिए था। उन दोनों की दीवानगी देख के तो यही जहन में आता है, खामखा मेरे बच्चे के सर पे डाल दिया उसे। कोई बात नहीं मामा, आप फिक्र ना करें, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन एक बार वो दोनों मुझे मिल गए ना, तो उनका हश्र देखिएगा। नाक के रस्ते से सारी दीवानगी ना निकालती तो मेरा नाम दानियाल नहीं। अरे तो जाओ ना, तलाश करो उन्हें, ढूंढो, और जहां भी हो अरे उन्हें मेरे सामने ले आओ दोनों को। भाभी बेगम, आप तो जानती होंगी कि वली कहां है, आप बता क्यों नहीं रही है? भाभी बेगम, मैं पागल हो जाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। आपको पता है ना कि उसने क्या किया है? खुदा के लिए आप बोलिए, बोल क्यों नहीं रही है आप? अकबर हुसैन, यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कहाँ है। लेकिन इस दफा जो उसने गलती की है, उसके बाद तुम उसको जो सजा दोगे मैं नहीं रोकूंगी। तो इसलिए कि इस दफा तो वाली वाकई हाथ से गुजर गया है, हद करती है उसने। भाभी बेगम, आप तो वली के दोस्तों को सबको जानती है ना, तो फिर फोन क्यों नहीं कर रही? पूछे उससे। आप रहने दीजिए ना मामा, भाईजान नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वली ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालो, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जाओ ना दानियाल, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। इससे पहले कि लोगों को यह पता चल जाए कि वली तुम्हारी बीवी को भगा कर ले गया है, अरे हमारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी? हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। सच कहा है किसी ने, गंदा खून गंदा ही होता है। भाभी की मोहब्बत परवरिश भी उस जात को नहीं सुधार सकी। हेलो अनस। यार वली, तुम कहाँ हो यार? टेंशन से मेरी जान अटकी पड़ी है यार, तू कब तक आएगा? नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, एक इमरजेंसी हो गई है। क्या इमरजेंसी हो गई है मुझे बता, मैं आता हूँ तेरे पास। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। बस हो सके तो दुआ करना कि सब ठीक रहे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वली, तू किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। जब भी कभी कोई मुश्किल होगी तो सबसे पहले तुम्हें आवाज दूंगा अनस, बस दुआ करना, परेशानी है। बार बार फोन मत करना यार,
फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज़। कहीं से भी तलाश करके मेरे सामने लेकर आओ। नहीं, वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए हर सूरत। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अंधेरा फैलने से पहले पहले वो दोनों मेरे सामने होने चाहिए। जल्दी करो। क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आगे किसी ढाबे पे रोकता हूँ, चाय भी पी लेना और हो सकता है कोई सरदर्द की गोली भी मिल जाए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे जल्दी अम्मी के पास पहुँचा। दवा ले लेना, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। दो मिनट लगेगा, तुम चाय पी लेना। नहीं नहीं बड़ी, हमें कहीं नहीं रुकना चाहिए। आप जल्दी चलो। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया। क्यों, किस बात का? आप इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे अम्मी के पास लेकर जा रहे हैं। मैं आपका ये साथ, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सका भैया। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी बस दुआ करो। जी सर, जल्दी से बाहर लेके आए। ले, हेलो। अनिल जी, क्या बदतमीजी है, क्या बचपना है। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, गन नीचे करो, नीचे नीचे के सारे गन। अनस तो हमारा दोस्त है, मेरा भाई है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड है ये। चलो अनस, चलो अंदर से वली को बुला के लाओ, उससे जरूरी बात करनी है। चलो चलो चलो। दानियल, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उससे, मुझे नहीं पता वो कहाँ। क्यूटी, ऐसी बातें कैसे सीख लेते हो? अनस, सबसे पहले तुम्हारी आंतड़ियों में गोली मारूंगा, यहीं गिर के तड़प रहे होंगे। उसके बाद तुम्हारे हाथों पर
पैरों पर और फिर सीधा तुम्हारे दिमाग में। वली मेरी बीवी को लेकर भाग के आए। What? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसे बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं वो मेरे सामने ये हरकत कैसे करेगा। बुलाओ बुलाओ, शाबाश बुलाओ। दानियल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वली ऐसा नहीं कर सकता। लगता तुम ऐसे समझोगे नहीं। जाओ भाई, जाकर लेकर आओ बाहर। यार अनस, वैसे ये तो बदतमीजी है। तुम्हारे घर आए हम, मेहमान है हम सब तुम्हारे, मेहमान नवाजी तो करो हमारी, यहीं खड़े खड़े बस। आ भी जा। जी सर, घर में कोई नहीं है। मैंने कहा था तुमसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे।